अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो आज पेशे खिदमत है आपके शेडो इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो आपने सबसे पहले अपने प्रीमियर में आ जाना है और यहाँ पर जो है वो अपना टेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शेडो लिखा हुआ है, आप कोई भी टेक्स्ट अपने नाम का या कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इनिशियल्स ग्राफिक्स के पैनल में आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, ठीक है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप अपने कोडिंग नहीं भी करना चाहते क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको सेंटर अलाइन करने की में भी ज़रूरत ना पड़े। तो अगर करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे सेंटर अलाइन कर लिया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर इसका शेडो क्रिएट करने के लिए पहले हमें इसके अंदर कोई वीडियो को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इनसाइट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ट्रैक मैट की यूज़ कर लें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिनके पास अपडेट जो है वो प्रीमियर के वर्जन हैं वो ट्रैक मैट की का यहाँ यूज़ ना करें। अगर आपने टेक्स्ट में या किसी शेप में अपनी वीडियो को ऐड करना है उसके लिए सिंपली आप अपनी जो वीडियो है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने इस पैनल में एडिट के। इनिशियल्स ग्राफिक्स के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट जहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग का जो पैनल है इसके अंदर आपने ड्रैग कर देना है। जिस तरह आप ड्रैग करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि यहाँ पर आप अपने ऊपर वाले टेक्स्ट को जो है यानी कि जिस टेक्स्ट के अंदर आपने इंपोर्ट करनी है, यहाँ पर ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने किसी शेप या किसी टेक्स्ट के अंदर अपनी वीडियो को ऐड करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर होगा और जो आपकी वीडियो होगी जो आपने ऐड करनी है इन करनी है अपने टेक्स्ट के अंदर वो नीचे होगी। तो हमने क्या करना है जी, अपने जो है वो वीडियो को नीचे ले आना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता जाऊँगा इजाफी कि अगर आप डायरेक्ट अपनी वीडियो को इस पैनल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से इंपोर्ट और यहां पर आपके पास फ्रॉम फाइल्स का ऑप्शन आता है, यहां से भी आप डायरेक्ट कोई भी फाइल को इसमें ऐड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। ये भी मैंने आपको साथ बता दिया, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करना है, अपने सिंपली जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहां पर ऑप्शन आ जाता है मास्क विद टेक्स्ट का। आपने सिंपली इस पर जिस तरह चेक करेंगे आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के अंदर इन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये यहाँ तक तो जो है वो आपका टेक्स्ट डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है शेडो, बहुत इजी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियल ग्राफिक का पैनल ऑन कर देंगे और सॉरी ऑफ कर देंगे और इफेक्ट्स के पैनल में जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम मिरर, ठीक है। मिरर लिखेंगे, मिरर को सिंपली ड्रैग कर देंगे अपनी इस लेयर के अंदर, ठीक है, और सॉरी अंदर कह रहा हूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर कर देंगे, इन नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। अब इसके अंदर अगर आप जिस तरह इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आपको यहाँ पर ये मिरर इफेक्ट जो है वो नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, नंबर वन रिफ्लेक्शन एंगल और सेंटर, ठीक है। ये जो सेंटर है ये यूँ ही समझ लें कि जिस तरह आप पोजिशन को लेफ्ट राइट और एक्स एक्सिस या वाई वाई एक्सिस में ऊपर नीचे दाएं बाएं करते हैं कि वही चीज़ है, पर यहाँ पर इन्होंने सेंटर लिखा और साथ है एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एंगल को जो है वो चेंज करेंगे, वो हम कर देंगे 90, ठीक है। तो ये देखें ये उल्टा हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंपली जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पोजीशन की तरह ही है तो हम इसकी जो पोजीशन है उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। अब ये आपकी मर्जी, आप बिल्कुल साथ अटैच करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पर ही आपके पास इसकी मास्किंग का ऑप्शन है, सर्कल रेक्टेंगल पेन टूल, तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। रेक्टेंगल अगर आप सेलेक्ट कर लें तो रेक्टेंगल करना चाहते हैं रेक्टेंगल कर लें, सिंपली आपने एक पॉइंट को पकड़ना है यहाँ पर ले आना है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ना है और यहाँ पर ले आना है, ठीक है। ऊपर से भी आपने इसी तरह इसके पॉइंट्स को पकड़ कर ले आना है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ले आया, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है कि अब आपकी मर्जी, आप कितना जो है वो हिस्सा जो है वो प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका फैदर ऊपर से ही बढ़ा देना, बेशक आप टाइप कर लें जिस तरह आपको ईजी लगे, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने इसका जो फैदर है वो बढ़ा देना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूँ क्योंकि जब फैदर बढ़ेगा तो टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, ठीक है। उसके बाद वैसे तो आपका ये शेडो इफेक्ट जो है वो यहाँ तक क्रिएट हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा लुक लाने के लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप जो इसकी ओपेसिटी है, ठीक है, आपके मास्क की जो ओपेसिटी है उसे आप 80 कर दें, ठीक है, या फिर अगर आप 50 कर दें तो भी ये
जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो अगर आप 50 आपको कम लग रहा है तो आप 80 कर दें या 70 कर दें, वो आपकी मर्जी है। तो देख सकते हैं आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त था यूनिक सा जो है वो शेडो इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप इसे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।